दोस्तों नमस्कार। आज लहरों को पढ़ा जाए, ये लहर समुद्र की नहीं है जिसे पकड़ पाना किसी आम शख्स के बूते की बाहर की चीज है। ये लहरें तो राजनीति की है। मौजूदा वक्त में राज्यों के चुनाव के साथ साथ राजनीतिक लहरें कोई गिन पा रहा है या ये मानकर बैठा है कि एक तरफ बीजेपी को संभाले हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है और उनके लिए बिसात बिछाते हुए देश के गृहमंत्री अमित शाह हैं और दूसरे तरफ तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों का एक अलायंस है जिसका नाम इंडिया है। और राजनीतिक तिक्रमों के बीच इस देश के भीतर पहली बार कांग्रेस ने ओबीसी का सवाल इस तरीके से उछाल दिया है कि देश के ओबीसी प्रधानमंत्री के सामने भी मुश्किल आ गई है। दरअसल यह लहर नहीं है, यह तो पानी का वह उथलापन है जो दिखाई दे रहा है और लहरें दिखाई देती नहीं है और उसे पढ़ पाना और पकड़ पाना कितना मुश्किल काम है। अब यह दो तरफा हो चला है। एक तरफ इंडिया अलायंस के भीतर वह कौन सी परिस्थिति है जिसमें तमाम छत्रपों को लगने लगा है कि कांग्रेस अगर पांचों राज्य जीत गई तो सवाल यह नहीं होगा कि इंडिया अलायंस मजबूत हो चला है, सवाल यह होगा कांग्रेस मजबूत हो चली है और आने वाले वक्त में छत्रपों को किस छतरी तले खड़े होना है यह उन्हें एक बार फिर सोचना पड़ेगा। और दूसरी तरफ बीजेपी की अगुवाई करते मोदी और शाह की जोड़ी अभी बहुत मजबूत नजर आती है। बीजेपी अपने तौर पर कमजोर हो लेकिन यह दोनों शख्स बहुत मजबूत हैं। लेकिन पांच राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद क्या वाकई यह दोनों शख्स मजबूत रहेंगे या कमजोर हो जाएंगे? और अगर ये कमजोर होंगे तो क्या बीजेपी के भीतर कुछ मजबूत स्तंभ नए तरीके से उभरने लगेंगे जो 2024 के चुनाव को प्रभावित कर देंगे? यही वो लहरें हैं जिन लहरों को अगर सिलसिलेवार तरीके से आज आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो पांच सवाल आपके जहन में एक झटके में होंगे। पहला सवाल, क्या वाकई 2024 से पहले पांच राज्यों के चुनाव के परिणाम इस देश में नए राजनीतिक गठबंधन की दिशा में बढ़ सकते हैं? दूसरा सवाल, पांच राज्यों के चुनाव परिणाम और उससे पहले की परिस्थितियों में छत्रप कांग्रेस के साथ टकराते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? तीसरा सवाल, इस देश के भीतर में जब लगातार चुनाव दर चुनाव में जनता अब सीधे मान चुकी है कि दो ही राजनीतिक दलों को आमने सामने वह देखना चाहती है, तो ऐसे में किसी तीसरे राजनीतिक दल की भूमिका क्या इस दौर में चुनावी बिसात पर खत्म हो चली है? चौथा सवाल, क्या इस दौर में राहुल गांधी जिस राजनीतिक लकीर को खींच रहे हैं उस राजनीतिक लकीर के आसरे कांग्रेस इतनी मजबूत हो रही है कि वह अपने बूते 2024 का दरवाजा खटखटा सके या फिर वह इंडिया अलायंस के कांधे पर सवार होकर कांग्रेस में आने वाले वक्त की मजबूती देख रहे हैं? और पांचवा सवाल, क्या वाकई बीजेपी के भीतर इस तरीके की उथल पुथल इन पांच राज्यों के चुनाव के चलते हुए दौर से जो अलग अलग जगहों पर बगावती मूड में दिखाई दे रही है वह कहीं बड़ी होते होते दिल्ली की सत्ता को छूने की स्थिति में तो नहीं आ जाएगी? इन पांच परिस्थितियों के इर्द गिर्द कई नाम इस दौर में उभर कर सामने आ सकते हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल यह भी आ सकता है, अगर 272 का जादुई आंकड़ा मोदी और शाह की जोड़ी बीजेपी को नहीं दिला सकती है और यह आंकड़ा अगर 50 सीट पीछे यानी 225 सीट पर आकर अटक जाता है तब क्या होगा? तब क्या इंडिया की सरकार बन जाएगी या एक झटके के भीतर इस दौर में जो छत्रपों की छटपटाहट दिखाई दे रही है इंडिया अलायंस के भीतर वह उछलते कूदते हुए नए तरीके से एक नए गठबंधन और नई सरकार की दिशा में बढ़ तो नहीं जाएगी? अखिलेश यादव यूं ही कांग्रेस से नहीं टकराए मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल तमाम जगहों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस खामोश क्यों है? जबकि इंडिया अलायंस का हिस्सा वह भी हैं और अखिलेश भी हैं। अखिलेश इस
मैसेज को लगातार क्यों सबको देना चाहते हैं और केजरीवाल के किसी भी मैसेज को कांग्रेस क्यों किसी भी रूप में परखना नहीं चाहती है। यह दो सवाल हो सकता है आपके जहन में आए और एक सवाल और होगा, इस दौर में ममता बनर्जी और नीतीश कुमार क्या सोच रहे होंगे? क्या दोनों एक दूसरे के खिलाफ तो नहीं है? क्या दोनों को पता है कि दोनों का कद एक सरीखा है? क्या दोनों ये जानते हैं कि आने वाले वक्त में अगर इंडिया के भीतर बहुमत की परिस्थिति नहीं बनती है लेकिन जोड़ तोड़ करके बहुमत की परिस्थिति पाने की स्थिति में ये आ जाते हैं तो सवाल कांग्रेस का नहीं होगा, सवाल गठबंधन साथियों का होगा? तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार को जो बात हो रही थी संयोजक बनाना चाहिए तो उसका विरोध क्या ममता बनर्जी कर रही थी? और ममता बनर्जी जिस तरीके से लेफ्ट को दरकिनार करते हुए कांग्रेस को भी 2-4-5 सीटों पर बंगाल में निपटाने की सोच रही थी, क्या वह भी दाव इस दौर में क्यों चला गया? ये सारे सवाल नहीं है, इन लहरों के बीच की उस राजनीतिक परिस्थितियों का एक उभार है जो बतला रहा है कि आगे क्या होने वाला है। और इन 5 राज्यों में धीरे धीरे जो स्थितियां नए तरीके से बन रही है उसमें सवाल अब तेलंगाना तक का आ गया है, क्या वाकई वहां पर केसीआर और बीजेपी अगर एक साथ नजर जनता को दिखाई देने लग रही है तो क्या कांग्रेस वहां पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर तो नहीं जाएगी? हो सकता है। लेकिन आइए जरा इस देश के एक एक पन्नों को परखें। इस देश में तकरीबन 1.5 दर्जन छत्रप हैं। उन 1.5 दर्जन छत्रपों के पास लगभग 150 से ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति इतनी नाजुक है, बावजूद इसके इंडिया अलायंस का सवाल हो या इस देश में राज्य दर राज्य चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर जगती हुई उम्मीद हो, उस परिस्थिति में तमाम छत्रपों से बड़े राजनीतिक दल के तौर पर ही नहीं बल्कि बीजेपी को खुले तौर पर अपने बूते चुनौती देने की स्थिति में क्या कांग्रेस धीरे धीरे खड़ी हो चली है और एक बार फिर छत्रपों के सामने ये सवाल अब आने वाला है कि 2024 में अगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ऐसी परिस्थिति में हो जहां छत्रपों की मदद से यह दोनों सरकार बना सकती हो तो यह छत्रप किसका साथ देंगे, एक कमजोर बीजेपी या मोदी माइनस बीजेपी का या दूसरी तरफ कमजोर से मजबूती की तरफ बढ़ती हुई कांग्रेस का? आइए इन सवालों को एक एक करके खोलते हैं क्योंकि हमारी टीम ने जो तमाम नई परिस्थिति इस दौर में निकाली है उसमें पहले शुरुआती दौर में छत्रपों की स्थिति को जरा जान लीजिए। 1.5 दर्जन छत्रप हमने इसलिए जिक्र किया, नवीन पटनायक, जगन रेड्डी, केसीआर, तीनों इंडिया अलायंस में नहीं है लेकिन तीनों चोरी छुपे नहीं बल्कि बाहर रहकर भी समर्थन मोदी सत्ता को देते हैं और इन तीनों के बारे में कहा जाता है जो सत्ता में आ जाएगा उसके साथ ये खड़े हो जाएंगे। उसके बाद आइए ममता बनर्जी, शरद पवार, अखिलेश और नीतीश। इसमें से ममता और नीतीश बीजेपी के साथ लंबे वक्त तक रह चुके हैं, शरद पवार कांग्रेस से निकले हुए हैं और समाजवादी पार्टी की राजनीति उसे इजाजत देती नहीं है कि वह बीजेपी के साथ खड़ी हो जाए लेकिन उसकी अपनी राजनीतिक सौदेबाजी इस बात की इजाजत देती है जहां बड़ा सौदा इस दौर में खेला जाएगा क्योंकि लंबे वक्त तक सत्ता से बाहर रहने के बाद उसके भीतर भी कई संकट इस रूप में है, अगर वह उत्तर प्रदेश में बिग ब्रदर की भूमिका नहीं निभा सकती है तो फिर उसे राजनीति नहीं करनी चाहिए, यानी उसकी पूरी राजनीति कांग्रेस के ऊपर खड़े होने की है और यह सियासत इसलिए बड़ी मजबूत हो चली है क्योंकि इस दौर में जिस लिहाज से मायावती साइलेंट होती चली गई और यह सवाल बड़ा हो गया कि एक बड़ा वोट चैंक कहां पर जाएगा, किसके साथ जाएगा, वह अगर कांग्रेस के साथ जाता है या कोई तीसरा ध्रुव उसके बीच में से निकल कर आता है उत्तर प्रदेश की सियासत में तो उसे परखना होगा लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सवाल है और वहां पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि बिग ब्रदर के तौर पर खड़ा होना चाहती है। कमोवेश यही स्थिति महाराष्ट्र में शरद पवार की है। शरद पवार भी अपने तौर पर चाहेंगे कि महाराष्ट्र में कांग्रेस उनके दिशा निर्देश पर चले, उनकी बिछाई बिसात पर चले और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उद्धव ठाकरे अब किसी भी हालत में
मोदी और शाह के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। उन्होंने जिस तरीके से पार्टी तोड़ी और उनके पिता तक यानी बाला साहब ठाकरे तक को राजनीतिक तौर पर बांटने की कोशिश की। लेकिन एक सवाल यहां पर जरूर उठता है, क्या ऐसी परिस्थिति बनती है जब माइनस मोदी बीजेपी सत्ता में आने की परिस्थिति बन जाए, तब उद्धव ठाकरे उस दौर में क्या करेंगे? यह सवाल सोचने के लिए आपके पास छोड़ देते हैं अभी तत्काल में। उसके बाद आइए तेजस्वी यादव, यानी आरजेडी की राजनीति बीजेपी के साथ जा नहीं सकती है, लेकिन आज की तारीख में उसके पास शून्य का खाता है। हेमंत सोरेन भी बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं, लेकिन अभी भी उनके पास एक ही सांसद है। तेजस्वी हो, हेमंत हो या उद्धव ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे की ताकत पड़ी है और इस दौर में उनके साथ भावनात्मक तौर पर और संवेदनशीलता के साथ लोग जुड़े हुए हैं। जिस लिहाज से एकनाथ शिंदे निकले, वह सिर्फ कुछ पॉकेट में सीमित रह गए और विचार और परसेप्शन के लिहाज से एक झटके में हिंदूवादी पार्टी के तौर पर और उसमें भी सेकुलरिज्म का छौंक जो पवार और कांग्रेस ने मिलकर लगाया, उससे उनकी ताकत वहां पर बढ़ गई। अब यहां पर सवाल है, मायावती तो बिल्कुल साइलेंट है, हालांकि वह जीती थी 10 सीट लोकसभा की, लेकिन तब समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चली थी। स्टालिन जाहिर तौर पर वो कांग्रेस के साथ हैं, उनकी मौजूदगी रहेगी। अकाली किस दिशा में जाएंगे अभी कहना मुश्किल है, उनके पास 2 सांसद हैं। केजरीवाल के पास सिर्फ 1 सांसद पंजाब का, और केजरीवाल की राजनीति या उनकी राजनीतिक बिसात, कांग्रेस उसको अपने दायरे में पना नहीं देती है। इस दौर में जरूरत पड़ी तो ध्यान दीजिए, जब संजय सिंह जेल गए तो सबसे ज्यादा जो एक पार्लियामेंट के भीतर भी जो हिचकोली परिस्थिति नजर आई, वह कहीं ना कहीं एनसीपी साथ शरद पवार साथ खड़े थे। वही शरद पवार जिसको एक वक्त केजरीवाल कटघरे में करप्ट कहके खड़ा करते रहे, लेकिन आज उस राजनीति का जिक्र नहीं, आज तो 2024 की दिशा में बिस्ती हुई बिसात का जिक्र है। अब यहां पर सवाल है कि ऐसी क्यों बात कही जा रही है कि 2024 में बीजेपी माइनस मोदी और शाह की दिशा में क्यों बढ़ जाएगी, और बीजेपी के भीतर से नेता दो ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक नेता अगर नितिन गडकरी हैं जो राजनीतिक तौर पर आरएसएस के करीब नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजनाथ सिंह भी हैं। हिंदी पट्टी के भीतर उनकी पूरी राजनीतिक जिंदगी गुजर गई है, और उस हिंदी पट्टी ही नहीं बल्कि देश के भीतर भी राजनाथ सिंह की पहचान अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से रही है, चूंकि वह मंत्रिमंडल में थे तो उन्होंने एक लंबी राजनीति को देखा है। हम उस राजनीति और गडकरी पर आए उससे पहले यह सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण इस दौर में है कि क्या वाकई ऐसी स्थिति बन रही है या बन सकती है। 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम कांग्रेस को कितना बल दे सकते हैं, और जब इन 5 राज्यों में बहुत साफ तौर पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, एक क्षण के लिए सोचिए कि जो जनता मान चुकी है कि बाईपोलर पॉलिटिक्स में वो जा चुकी है, वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को तीसरी धारा के तौर पर क्यों खड़ा होना करना चाहती है। हम इसके कुछ उदाहरण आपको दे देते हैं। हमारी टीम ने इस पर जब काम किया तो उन्होंने बहुत साफ बताया कि जितने भी चुनाव हुए हैं उन चुनाव के भीतर जब आप देखिएगा तो तीसरी पार्टी का कोई महत्व होता नहीं। मसलन कर्नाटक में कांग्रेस को लगभग 42-43% वोट मिलते हैं, बीजेपी को 36% वोट मिलते हैं, और जेडीएस जैसी महत्वपूर्ण पार्टी जो कई बार सत्ता में रही वह खिसक कर 13% पे आ जाती है, और बाकी तमाम पार्टी को 1% से भी कम वोट। पश्चिम बंगाल में सीपीएम कितने लंबे वक्त तक रही, लेकिन उसको 5% से भी कम वोट मिलते हैं। कांग्रेस 3% वोट भी नहीं पा पाती है, जबकि ममता बनर्जी 48%, बीजेपी लगभग 38%। ये मैसेज है बाईपोलर का। उत्तर प्रदेश में भीतर क्या हुआ, कांग्रेस और वह भी प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेस, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट 2.3%। आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर 2.8%। आम आदमी पार्टी 1% वोट भी नहीं मिला, 0.3% वोट मिला, लेकिन बीजेपी देखिए 41.3%, समाजवादी पार्टी 32%, बीएसपी जहां पे मायावती साइलेंट थी लेकिन उनके अपना वोट बैंक जो है, जो जातिगत तौर पे कहिए या उस मिजाज से कहिए जहां पर काम कांशीराम ने किया, मायावती वहां पर उनके साथ जुटी रही, वह लगभग 12-13% वोट उनके साथ रहेगा ही।
वो कैसे छितराएगा, किस रूप में छितराएगा, कौन नया खड़ा हो जाएगा, ये मैसेज बहुत साफ है। यहां तक कि गुजरात को भी देख लीजिए तो बीजेपी अगर 49% लेती है तो कांग्रेस को 41% मिलता है, यानी 90% वोट तो इन्हीं दो पार्टी में, तो बाकी के पास क्या आया। यह परिस्थिति बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि जनता के दिमाग में अब बाईपोलर स्थिति है, और यही वो दबाव था जो कि इंडिया अलायंस को एक साथ ले आया। अब यहां पर सवाल है कि कांग्रेस इस देश के भीतर में जहां बीजेपी से टकराती है, 180 सीट में से कांग्रेस सिर्फ 8 सीट जीत पाई, लेकिन क्या इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद यह संभव कोई कह सकता है? 180 में 8 सीट, कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, दिल्ली। ये मैसेज बहुत साफ है, इन 180 सीटों के भीतर में सिर्फ 8 सीट का जीतना, और दूसरी तरफ जहां पर इंडिया अलायंस के गठबंधन जिन 4 राज्यों में मौजूद है, वह उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है और महाराष्ट्र है, इन 4 राज्यों में 210 सीटें हैं, और इन 210 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ यहां पर 5 सीट जीत पाई। अब आप कल्पना कीजिए कि 180 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी से टकराती है और 8 सीट जीतती है, और गठबंधन के साथ या गठबंधन की मौजूदगी में 210 में से 5 सीट जीत पाती है, यानी 543 सीटों में से 390 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 13 सीटों पर जीत मिली। क्या इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद यह स्थिति संभव है? कोई भी कहेगा ये संभव नहीं है, स्थितियां बदल जाएंगी, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव बड़े मायने रखते हैं। उसमें एक कर्नाटक जीत चुके हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जिक्र था, हिमाचल प्रदेश में भी सरकार बना चुके हैं, असम की परिस्थिति उस नॉर्थ ईस्ट से जुड़ गई है जहां पर मिजोरम के सीएम तक को कहना पड़ता है वो प्रधानमंत्री के साथ अब मंच शेयर नहीं करेंगे, दक्षिण का दरवाजा बीजेपी के लिए बंद हो गया है, नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा किस दिन असम के साथ बंद हो जाए कोई नहीं जानता है। यह परिस्थिति बताती है कि उस हिंदी पट्टी के भीतर जब बीजेपी और आरएसएस की राजनीति चलेगी तो राजनाथ सिंह उसमें से आपको दिखाई देते हैं, तब जब बीजेपी खिसक कर एक झटके में 272 सीटों के बदले 225 सीट पर आ जाती है। और जो हम आपसे जिक्र करना चाह रहे हैं, सवाल उस वक्त सबसे बड़ा यही होगा कि जो गठबंधन के साथी हैं उसमें जो 3-4 जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो क्या करेंगे। उसमें जाहिर तौर पर ममता बनर्जी का जिक्र होगा, ममता के पास 22 सीट है आज की तारीख में, नीतीश कुमार के पास 16 सीट है आज की तारीख में, शरद पवार के पास 4 सीट है आज की तारीख में, अखिलेश शिफ्ट नहीं कर सकते, उनकी राजनीति इजाजत नहीं देती है, लेकिन हमने कहा राजनीतिक सौदेबाजी के दायरे में अखिलेश आ सकते हैं क्या, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो बिल्कुल चाहेंगे कि एक ऐसी राजनीति फले फूले जहां पर उनकी राजनीति का विस्तार सत्ता तक पहुंचने का हो जाए। और उत्तर प्रदेश के भीतर मौजूदा वक्त में योगी जिस जाति विशेष से आते हैं उसी जाति विशेष से राजनाथ सिंह भी आते हैं, और राजनाथ सिंह की राजनीतिक ठसक उत्तर प्रदेश में, हालांकि अब योगी राज नजर आता है, लेकिन जब आप 225 पर रहते हैं तो राजनीतिक सौदेबाजी में कौन सा नाम उभर कर आएगा। योगी इसलिए संभव दिल्ली आने की परिस्थिति में नहीं है क्योंकि उनकी राजनीति जो बुलडोजर की राजनीति चली या कास्ट लाइन पे इस दौर में जो नए राजनीतिक प्रयोग उन्होंने किए वह हो सकता है बीजेपी को लगता हो अच्छा लेकिन साथियों को अच्छा नहीं लगेगा जो गठबंधन वाले दल हैं, और उस पर बीजेपी के भगवा आवरण को ओढ़ने की स्थिति में वह छत्रप कतई नहीं होंगे जो मानते हैं कि वो सेकुलर हैं और बाहर से रहकर अटल बिहारी वाजपेयी के साथ चले गए लेकिन अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने की कोशिश करते रहे। अब यहां पर असल सवाल होता है कि जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, हिंदी पट्टी के भीतर जाकिएगा तो हम राजनाथ सिंह का जिक्र क्यों कर रहे हैं, और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आरएसएस के छोंक के साथ देखिएगा तो गडकरी का जिक्र क्यों हो रहा है, क्योंकि गडकरी उस कॉरपोरेट और उस आरएसएस की छोंक का मिला हुआ कॉकटेल है जो अपने गवर्नेंस के काम के तौर तरीके से जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के तौर पर थे महाराष्ट्र में, तब जो उन्होंने काम किया उसकी मान्यता जो मिली वो आज तक सड़क बनाने को लेकर अभी तक केंद्र तक में है,
और गडकरी की राजनीति को अगर समझना है तो 2014 में मंच पर बैठे हुए उस दौर में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी बतौर प्रधानमंत्री नहीं थी, वहां से उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को उठाया और 2019 में भी वह जिक्र नहीं कर रहे थे कि गडकरी को जिताइए। लेकिन गडकरी ने अपने बूते नागपुर में जो पहचान बनाई है उसकी एक हकीकत इस रूप में भी समझ लीजिए कि अगर गडकरी इंडिपेंडेंट लड़ जाए तो उनका वोट बढ़ जाएगा। वजह है बीजेपी के होने से मुस्लिम वोट और दलित वोट साथ में नहीं आएगा, लेकिन गडकरी इंडिपेंडेंट लड़ते हैं नागपुर में तो ये दोनों वोट बैंक और जुड़ जाएंगे उनके साथ। तो सवाल है नीतीश, ममता, पवार। पवार का जिक्र यहां इसलिए जरूरी है क्योंकि पवार अपने तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति को इस लिहाज से साधना चाहते हैं जहां मैसेज लगातार जाए कि वो हर तरफ है। उनकी दुश्मनी ना तो बीजेपी से है और उनकी दुश्मनी ना तो अडानी से है, और राजनीतिक जमीन को बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र की गवर्नेंस के भीतर जो नौकरशाह है और पुलिस है उनके साथ उनकी यारी भी अपने तौर पर जग जाहिर है, वो कोई छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जिस दौर में राजनीति राहुल गांधी एक मोटी लकीर के साथ कह रहे हैं कि हम हैं या सामने, इस दौर में मोदी और उनके तमाम कॉरपोरेट यार हैं, तय तो करना होगा। और इंडिया अलायंस के भीतर इसको नए शब्द में डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जब जोड़ा जा रहा है तो सवाल यह है कि बाइपोलर तो राजनीति खिंच गई, तो क्या चुनाव के परिणामों के बाद जो 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम हैं उससे पहले की हलचल सिर्फ ये मैसेज कन्वे कर रही है कि हम राजनीतिक सौदेबाजी करेंगे और उसके बाद की परिस्थिति बतलाएगी कि ये राजनीतिक सौदेबाजी किसके साथ होगी। क्योंकि मोदी, शाह और योगी इन तीन के साथ छत्रप नहीं आएंगे। बीजेपी के भीतर झांकिएगा तो इस दौर में मोदी और शाह जिस राजनीति को साध रहे हैं उसमें वो अपने अनुकूल परिस्थिति 2024 के बाद की बना रहे हैं। इसीलिए तमाम कद्दावर नेता जिनकी राजनीतिक जमीन मजबूत है उनको डिगाने का काम बाखूबी उन्होंने किया, लेकिन एक बात उन्हें समझ में आ गई अब कि दरअसल राज्यों की हार लोकसभा चुनाव पर सीधा प्रभाव डालेगी और परसेंट ऑफ वोट अगर 10% से ज्यादा के अंतर पर आ गया तो कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी। ये परिस्थिति ही है कि जहां पर वसुंधरा राजे को भी स्पेस दिया गया, शिवराज सिंह चौहान को भी स्पेस दिया गया और रमन सिंह को भी स्पेस दिया गया। ये परिस्थिति नए तरीके से है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के भीतर का खेल यह है कि ममता बनर्जी अपने तौर पर अपने राज्य के भीतर ना तो लेफ्ट को स्पेस देने को तैयार है और ना ही कांग्रेस को छोंक भी देने को तैयार है। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार कांग्रेस को उसी लिहाज से परखना चाहते हैं। बिहार के भीतर बनते हुए गठबंधन में नीतीश कुमार इस बात से वाकिफ हैं कि अगर वह उस दौड़ में नहीं है जहां वो दिल्ली तक आ सकते हो तो फिर इस चुनाव में ज्यादा सीटें हासिल करके आने वाले वक्त में राजनीतिक सौदेबाजी करने से कौन घबराता और कौन कतराता है, उस समय देखेंगे। लेकिन मौजूदा वक्त की राजनीति में तो यह सबको पता है कि अगर लालू यादव और नीतीश की जोड़ी काम कर रही है तो फिर बिहार में बीजेपी के लिए मुश्किल है, और यह मुश्किल अगर उनके पास है तो फिर बाद में उसमें जोड़ा जाएगा बिहार से ही। यह राजनीति इंडिया के भीतर एक ऑक्सीजन उस बीजेपी को दे रही है जो बीजेपी अपने तौर पर मानती है कि मोदी शाह माइनस बीजेपी की स्पेस इस दौर में गठबंधन की राजनीति अगर निकलती है तो उसमें वह सबसे हाई एंड पे होंगे, क्योंकि कांग्रेस कमोवेश उन तमाम राज्यों में अगर मजबूत होती है तो उन छत्रपों को मुश्किल हो जाएगी जो छत्रप इस वक्त इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं। राजनीति का यह मिजाज उन लहरों के समान है जिसमें बड़ी बात यह है कि वाकई राजनाथ और गडकरी आने वाले वक्त में इस देश के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं क्या। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गठबंधन के लिहाज से भी कांग्रेस अगर अकेले अपने बूते चलने की स्थिति में आ गई तब क्या होगा, तब कोई नहीं जानता है। तब हो सकता है कांग्रेस इस देश की राजनीति को पलट दे। यह भी हो सकता है कि इस दौर में आमने सामने अगर कांग्रेस और बीजेपी टकराए तो एक झटके में छत्रपों के लिए मुश्किल लोकसभा चुनाव में हो जाएगी, यह भी हो सकता है। और छत्रप इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका कोई योगदान ही ना हो सरकार बनने बनाने में। तो यह कहीं झुकेंगे, कहीं रुकेंगे, कहीं सौदेबाजी होगी, यह परिस्थिति आएगी जरूर। लेकिन जब हम जिक्र आपसे हिंदी पट्टी का करते हैं और यहां यह समझना जरूरी है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से निकलकर बनारस क्यों पहुंचते हैं और हिंदी पट्टी बीजेपी या आरएसएस के लिए कितनी महत्वपूर्ण रही है और हिंदी पट्टी के भीतर चेहरा
राजनाथ सिंह ही तब थे। उस समय राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष थे, लेकिन उसके बाद की राजनीति में जिस तरीके से योगी छाए उत्तर प्रदेश के भीतर और ओबीसी के तौर पर खुले तौर पर इजहार किया प्रधानमंत्री मोदी ने, मैं ओबीसी हूं, और उस दौर में अध्यक्ष जब अमित शाह थे तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि हां, पहली बार इस देश का कोई प्रधानमंत्री ओबीसी है। तो मंडल की राजनीति को थामना, हिंदी पट्टी के भीतर एक नेता को नए उदय के साथ देखना और दिखलाना, इन परिस्थितियों ने उन पुराने बीजेपी के भीतर नायकों को खत्म कर दिया। लेकिन संकट अब सबसे बड़ा यह हो चला है कि अगर 272 का आंकड़ा नहीं तो तमाम छत्रप जो कभी बीजेपी के साथ रहे, पंजाब के हों, महाराष्ट्र के हों या बिहार के हों या इस दौर में कुछ नए निकल कर आ रहे हों, वह अगर दिल्ली की सत्ता में भागीदारी चाहेंगे तो वह कांग्रेस को चुनेंगे या बीजेपी को चुनेंगे, अगर दोनों ही सरकार बनाने की दिशा में बढ़ने लगे तो। दरअसल समुद्र की लहरों से गहराई कहीं ज्यादा राजनीतिक लहरों में होती है, इसीलिए इसे जब आप पढ़ें और समझें तो आने वाले वक्त में जो राजनीतिक हिचकोले इंडिया के भीतर से निकलें उसकी आवाज अगर आप ना सुन पा रहे हो तो ध्यान दीजिएगा, बीजेपी का कौन सा नेता किस रूप में इंडिया अलायंस के संकट को उभारता है, यह एक संकेत है आने वाले वक्त की उस राजनीति का, जिसमें मोदी माइनस बीजेपी और शायद बीजेपी के भीतर से निकले हुए नए चेहरे के साथ खड़े होते हुए छत्रपों की एक कतार। पढ़िएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।